Hey guys, मैं हूँ डॉक्टर सिमरन और मैं आप यहाँ पे आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मिनोक्सिडिल कैसे काम करता है। बेसिकली मिनोक्सिडिल एक दवाई थी जो कि लोग लिया करते थे अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बट उससे कुछ लोगों को हेयर ग्रोथ की साइड इफ़ेक्ट आने लगा, जैसे कि उनके फेस पे बाल आने लगे। तो इस साइड इफ़ेक्ट को नज़र में रखते हुए साइंटिस्ट ने उसकी एक टॉपिकल फॉर्म जो कि मतलब अपनी स्किन पे लगाई जा सकती है उसको निकाला। सो मिनोक्सिडिल आजकल 2% और 5% सॉल्यूशंस में अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में। 2% जो है वो विमेन यूज़ करती हैं बेसिकली और 5% जो है वो मेल्स के लिए है। सो मिनोक्सिडिल कैसे काम करता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेयर ग्रोथ साइकिल कैसे काम करता है। सो हेयर ग्रोथ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, पहला एनाजन, दूसरा कैटाजन और तीसरा टीलोजन। एनाजन फेज जो होता है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये हेयर ग्रोथ का फेज़ है जिसमें के बाल अराउंड हेयर फॉलिकल 6 महीने तक रहता है। इसमें हेयर फॉलिकल के साइज़ बढ़ता है, ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एंटर करते हैं कैटाजन फेज़ में। कैटाजन फेज़ एक ट्रांजिशन फेज़ है जिसमें के जो रूट है उसकी ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो जाती है और रूट्स जो हैं थोड़ी स्कैल्प के पास आना शुरू हो जाती हैं। तीसरा फेज़ जो होता है वो टीलोजन फेज़ होता है। टीलोजन फेज़ में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है रूट की वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाती है, इसके कारण जो है हेयर लॉस और हेयर शेडिंग होती है। सो मिनोक्सिडिल काम करता है एनाजन और टीलोजन फेज़ पे। सो मिनोक्सिडिल इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है हेयर फॉलिकल्स को टू रिमेन इन द एनाजन फेज़, के वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता है ताकि जो हेयर फॉलिकल की ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो, और टीलोजन फेज़ में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी ड्यूरेशन कम कर देता है। इस तरह से ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो एनाजन यानी कि ग्रोथ फेज़ में रहेंगे, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। और मोर ओवर जो मिनोक्सिडिल है एक पोटेशियम चैनल होता है उसका ओपनर है, जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ब्लड फ्लो रूट की तरफ आता है और हेयर ग्रोथ बढ़ता है। मिनोक्सिडिल को लगाने के तरीके की बात करें तो मिनोक्सिडिल एक लिक्विड फॉर्म में आता है जो कि एक स्प्रेयर या एप्लीकेटर के साथ आएगा, ड्रॉपर के साथ। तो इसको दिन में 2 बार लगाना है और ध्यान रखना है कि इसको एटलीस्ट मिनिमम 4 महीने के लिए लगाना है ताकि हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलें। उससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत स्लोली आते हैं, इसलिए हमें एटलीस्ट 4 महीने के लिए हमें रेगुलरली इसको लगाना है। सो आई होप इस वीडियो के कारण आपके जो जितने भी क्वेरीज हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हुई होंगी मिनोक्सिडिल को लेके। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।